हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है अर्थवर्क क्वांटिटी ऑफ ए रोड बाय यूजिंग प्रिज्मॉइडल मेथड। लास्ट दो वीडियोस में मैंने आपको मीन एरिया मेथड बताया था एंड मिड सेक्शनल मेथड बताया था कि उन दोनों मेथड से अर्थवर्क क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज मैं थर्ड मेथड लेके आऊँ, वो है प्रिज्मॉइडल मेथड। इससे हम कैलकुलेट करेंगे अर्थवर्क क्वांटिटी ऑफ ए रोड। तो एग्जाम्पल सेम रहेगी जो लास्ट दो वीडियोस में रही थी। तो एग्जाम्पल क्या है, वर्कआउट द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क फॉर एन एम्बैकमेंट। अब जब एम्बैकमेंट है दैट मीन्स कि रोड हमारा किस में है, फिलिंग में होगा, यहाँ पे कटिंग तो होगी नहीं। तो एम्बैकमेंट की लेंथ कितनी दे रखी है, 150 मीटर लॉन्ग, यानी कि जो रोड है वो 150 मीटर लॉन्ग है जिसकी हमने अर्थवर्क निकालनी है और वो एम्बैकमेंट में है यानी कि फिलिंग में है। एंड 10 मीटर वाइड एट द टॉप, जो फॉर्मेशन विड्थ है रोड की टॉप पे, यानी कि ये एक क्रॉस सेक्शन है रोड की जो 150 मीटर लॉन्ग है एम्बैकमेंट, और ऊपर क्या है फॉर्मेशन विड्थ 10 मीटर वाइड है। ठीक है, साइड स्लोप इज 2:1। ये जो साइड स्लोप है एम्बैकमेंट की, ये 2:1 स्लोप में है। एंड डेप्थ एट ईच 25 मीटर इंटरवल आर 0.6, 1.2, 1.4, 1.6, 1.4, 1.6 एंड 1.5। यानी कि क्या बोला है ना, जो डेप्थ है एट ईच 25 मीटर इंटरवल, यानी कि जो 25 25 मीटर की चेनेज, यानी कि 150 मीटर अगर लॉन्ग रोड है उसकी 25 25 मीटर की चेनेज पे हमारी डेप्थ क्या है एम्बैकमेंट की, फिलिंग की, वो ये है जो गिवन है। अब हम ये सॉल्व आउट करेंगे बाय यूजिंग प्रिज्मॉइडल मेथड। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और इस पे अर्थवर्क क्वांटिटी पे मैंने ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बना रखा है जिसमें फॉर्मेशन लेवल कैसे कैलकुलेट करते हैं, एल सेक्शन कैसे प्लॉट करते हैं, कटिंग फिलिंग एक ही वीडियो में कंप्लीट वीडियो है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी वीडियोज आप देख सकते हैं। हम तो हम शुरू करते हैं इस टॉपिक से। तो ये एक हमारे पास 3D व्यू है एक एम्बैकमेंट का, जिसकी क्या इन्होंने लेंथ कितनी दे रखी है, 150 मीटर लॉन्ग दे रखी है, यानी कि 150 मीटर इसका लेंथ दे रखी है। इसमें हमारे बीच में क्या है, चेनेज दे रखी है 25 25 मीटर के इंटरवल पे, हमारी अलग अलग डेप्थ है। यानी कि अगर मान लीजिए ये हमारी 0 RD है, यहाँ पे डेप्थ हमारी कितनी है 0.6 है, और ये हमारी 25 मीटर RD है, तो इस पे हमारी डेप्थ कितनी होगी 1.2, सो ऑन 25 25 मीटर के इंटरवल पे हमारी कितनी हो जाएगी 150 मीटर, और हमारी डेप्थ ये गिवन है। अब हमें प्रिज्मॉइडल मेथड से हमें अर्थवर्क क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। अब प्रिज्मॉइडल मेथड को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो मीन एरिया मेथड होता है, मीन एरिया मेथड में क्या करते थे, हम इस क्रॉस सेक्शन का एरिया लेते थे और इस क्रॉस सेक्शन का एरिया लेते थे, यानी कि 0 चेनेज पे जो एरिया आएगा क्रॉस सेक्शन का और 25 जो मीटर चेनेज पे एरिया आएगा, उन दोनों का मीन लेके हम एरिया कैलकुलेट करते थे, वो होता था मीन एरिया मेथड में। अब मिड सेक्शन मेथड में क्या होता था, जैसे कि हमारी ये डेप्थ है 0 पे और 25 पे चेनेज पे ये डेप्थ है, तो इन दोनों का हम डेप्थ का मीन ले लेते थे, फिर उससे हम एरिया कैलकुलेट करते थे, वो हो जाता था मिड सेक्शनल एरिया। बट जो प्रिज्मॉइडल मेथड में हम क्या करते हैं, हम क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए, एल डिवाइडेड बाय 6 a1 + a2 + 4 times an। यहाँ पे a1 और a2 क्या है, क्रॉस सेक्शन एरियाज हैं एट द गिवन चेनेज, ठीक है। बट am क्या है, am इट द मिड सेक्शनल एरिया। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हमने टेबल बना लेना है
एज यूजुअल। तो इसमें पहले कॉलम में क्या है, चेनेज लिखी है 0 to 150, क्योंकि हमारा रोड की लेंथ कितनी है, 150 मीटर है। 0, 25, 50, 75, 100, 125 एंड 150। ठीक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हमें डेप्थ्स भी दी गई हैं, 25 25 मीटर के इंटरवल पे हमें डेप्थ्स गिवन गए हैं। तो हमने ये नोट डाउन कर ली। अब हमें A1 और A2 कैलकुलेट करना है, यानी कि हमें क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड आउट करना है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो हम फाइंड आउट करेंगे, यानी कि हमारा जैसे ये हमारी क्रॉस सेक्शन बन जाती है एम्बैकमेंट की कुछ ऐसे। तो इसमें क्या होता है, एम्बैकमेंट की क्रॉस सेक्शन एक ट्रेपीजियम फॉर्म में बने। तो इसमें हम कैसे एरिया कैलकुलेट करते हैं, पहले तो हमारा ये जो ये मान लीजिए हमारा बी है, जो हमारी फॉर्मेशन वेट है वो हमें गिवन है 10 मीटर, और ये हमारी डी है। तो हमारा पहले सेंटर एरिया क्या निकल जाएगा, तो वो बन गया बी इंटू डी। ठीक है, बी इंटू डी हमारा ये सेंटर एरिया निकल जाएगा। अब हमारे पास साइड के दो ट्राइंगल बचते हैं, तो उनका एरिया कैसे निकालेंगे, हमारे पास स्लोप गिवन है इसमें 2:1। ठीक है, तो 2 क्या होता है, हमारा स्लोप होता है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, जो हॉरिजॉन्टल है वो हमारी स्लोप है। तो हमें क्या निकालना है, हमें इसका ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। ठीक है, यानी कि हाइट। तो बेस क्या है इसका, आ जाएगा बेस आ जाएगा एस इंटू ये जो डी आ जाएगा, एस इंटू डी ये आ जाएगा बेस, 1/2 इंटू बेस आ गया एस इंटू डी। एस क्या है, स्लोप, एस इंटू डी इंटू अल्टीट्यूड, यानी कि हाइट क्या है इसकी, डी ही है, हाइट तो यही है। ठीक है, तो ये आ गया हाफ इंटू एस डी स्क्वेयर, यानी कि एक ट्राइंगल का एरिया। अब हमारे पास ऐसे जो एम्बैकमेंट होती है उसमें क्या होता है, साइड में दो ट्राइंगल बनते हैं, यहां पे भी यहां पे भी, तो इसको इंटू टू कर लेंगे, 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास एरिया आ गया एस डी स्क्वायर, यानी कि इन दोनों ट्राइंगल का एरिया आ गया, टोटल एरिया आएगा एस डी स्क्वायर, और सेंटर के एरिया आ गया बी डी। तो टोटल एरिया कितना आ गया, बी डी प्लस एस डी स्क्वायर, हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा क्रॉस सेक्शन का। तो वही हमने नेक्स्ट कॉलम में कर लेना, क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि ए जो हो गया वो आ गया बी डी प्लस एस डी स्क्वायर। वो मैंने आपको यहां से बता दिया कि कैसे आ गया बी डी प्लस एस डी स्क्वायर। अब बी डी प्लस एस डी स्क्वायर एक में आपको करके बता दूंगा, बी बी तो यहां पे 10 ही रहेगा हर एक में, बी की वैल्यू हम 10 पुट कर लेंगे, और डी की वैल्यू हमें यहां से, ये डी की वैल्यू है ये यहां पे रख लेनी है। तो बी इंटू डी आ गया प्लस एस डी, एस हमारे पास स्लोप है जो है 2। ठीक है, स्लोप भी सेम रहेगा 2, प्लस डी अगेन वैल्यू यहां से पुट कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल पहले का मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा, पहले में बी डी, बी क्या है 10 है और डी क्या है 0.6 है, प्लस एस डी स्क्वेयर, एस हमें 2 पुट करना है, डी क्या है 0.6 का होल स्क्वेयर, तो ये कितना आ जाएगा 6.72। तो ये हमने नोट डाउन कर लिया। सेम इसी फॉर्मूला से यूज करके बी की वैल्यू 10 पुट करेंगे, एस की वैल्यू 2 पुट करेंगे, और डी कॉरस्पॉन्डिंगली जो होगा उसके अकॉर्डिंगली हम क्रॉस सेक्शन एरिया कैलकुलेट करेंगे बी डी प्लस एस डी स्क्वेयर का। ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें जैसे हमें पता है कि इस फॉर्मूले में हमें ए एम भी निकालना है, यानी कि मिड एरिया भी निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, हमें मीन डेप्थ उसके लिए हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो मीन डेप्थ कैसे करेंगे, इन दोनों का मीन, इन दोनों को प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय 2, यानी कि अगर इन दोनों का मीन कैसे आएगा, 0.6 प्लस 1.2 डिवाइडेड बाय 2, वो आ गया 0.9। तो ये आ गया।
तो इन दोनों का मीन ले लेंगे, वो आ गया 1.3, इन दोनों का मीन ले लेंगे 1.5, इन दोनों का मीन 1.5, इन दोनों का मीन 1.5, इन दोनों का मीन 1.55। तो ये हमारे पास मीन डेप्थ आ गया। अब मिड क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि हमें ए एम निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला लिखाना पड़ेगा बी डी एम, यानी कि सेम यही रहेगा, बस इसमें जो हम डेप्थ ले रहे हैं वो हम मीन डेप्थ ले रहे हैं, ठीक है। तो वही हमने सिर्फ चेंज फॉर्मूला में डेप्थ की जगह हमने मीन डेप्थ यूज करनी है, यानी कि ये कॉलम यूज करना। तो फॉर्मूला सेम रहेगा बी डी एम प्लस एस डी एम का होल स्क्वायर, यानी कि ये फॉर्मूला ही रहेगा, बट इंस्टेड ऑफ डेप्थ हमें क्या लेनी है, मेन डेप्थ लेनी है। तो हम ये कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक मैं आपको अगेन कैलकुलेट करके बता देता हूँ कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि हमारे पास ये हमें बी तो हमें गिवन होगा 10 मीटर ही, तो हमें बी की वैल्यू कर लेनी है 10 फुट, डी एम यानी कि डी एम ये 0.9 रख लेंगे, प्लस एस एस एज यूजल हमारी स्लोप 2 ही रहेगी, और डी एम का होल स्क्वेयर 0.9 का होल स्क्वेयर ये आ जाएगा 10.62। तो 10.62 यहाँ पे लिख लेंगे। अगेन ऐसे ही पूरा हम ये कॉलम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग दिस मेथड, और डी एम की वैल्यू पुट क्या करनी है, ये कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब इस फॉर्मूला में जैसे मैंने आपको बताया था क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट होती है, लेंथ डिवाइडेड बाय 6 प्लस A1 प्लस A2 प्लस 4 टाइम्स AM, तो ये ऐसे कैलकुलेट होती है। अब हमारे पास लेंथ इसमें जरूरत है, तो लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी, पहले तो 0 चेन एज पे तो हमारी 0 लेंथ होगी, ठीक है। तो 25 चेन एज पे हमारी 25 लेंथ होगी, फिर 25 25 का इंटरवल है, तो हमारे पास लेंथ कितनी आ गई, 25 25 25 25 थ्रू आउट 25 मीटर लेंथ आ गई। तो अब हमारे पास ये जो हमारे फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए प्रिज्मोइडल मेथड से कैसे कैलकुलेट होती है, क्यू इज इक्वल टू एल बाई 6 A1 प्लस A2 प्लस 4 टाइम्स AM, ठीक है। अब इसमें हर एक वैल्यू हमारे पास लेंथ गिवन है, A1 यानी कि ये पुट करेंगे, A2 ये पुट करेंगे, प्लस 4 टाइम्स AM ये पुट करेंगे। तो मैं आपको एक वैल्यू कैलकुलेट करके बता दूंगा, जैसे कि पहले में हमारे पास लेंथ भी 0 होगा, तो हमारे पास हर एक चीज ही 0 हो जाएगा, तो वो तो हमारे पास पहले में क्वांटिटी आएगी नहीं। तो सेकेंड में हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू एल बाय 6 A1 प्लस A2 प्लस 4 टाइम्स AM, तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। लेंथ की वैल्यू क्या आ गई, लेंथ 25 मीटर है डिवाइडेड बाय 6 प्लस A1। अब इस क्वांटिटी के लिए A1 क्या रहेगा, ये वाला A1 रहेगा 6.72 प्लस A2, यानी कि यहां से A2 ये रहेगा 14.88 प्लस 4 टाइम्स AM। AM क्या है, यहां से इसके कॉरस्पॉन्डिंगली देखना है 10.62, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 267। तो ये हमारे पास क्वांटिटी आ गई 267, ठीक है। तो ऐसे ही हमें सेम इसी फॉर्मूला में इनकी वैल्यू बननी है। इस केस में A1 क्या हो जाएगा, A1 ये हो जाएगा, A2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, AM ये हो जाएगा, तो उससे हमारी वैल्यूज कैलकुलेट होके आ जाएंगी ये। तो उसके बाद हम क्या है, टोटल क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क निकाल लेंगे, इन सबको सम करके वो आ जाएगा 2647.26 m³। तो अब जैसे कि सेम मैंने एग्जाम्पल को करा था बाय यूजिंग मीन एरिया मेथड, मीन एरिया मेथड से क्या होता है, जो हमारी क्वांटिटी कैलकुलेट होके आती है वो सबसे ज्यादा होती है, वो आई थी 2651.7। और मिड सेक्शनल मेथड से जो क्वांटिटी कैलकुलेट होके आती है वो कम होती है, वो होती है 2645। और जो प्रिज्मोइडल मेथड है उससे जो क्वांटिटी कैलकुलेट होके आती है वो मीन एरिया मेथड और मिड सेक्शनल मेथड के दोनों के बीच वाली क्वांटिटी कैलकुलेट आती है। तो जब भी हम मीन एरिया मेथड यूज करते हैं उससे हमारी क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा आती है, मिड सेक्शनल मेथड से कम आती है, और प्रिज्मोइडल मेथड से हमारी क्या आती है,
एक दोनों की एवरेज वैल्यू आती है। तो इसलिए हम प्रिज्मॉइडल मेथड को ज़्यादा एक्यूरेट मेथड मानते हैं एज कंपेयर टू अदर टू मेथड्स। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।